गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास फॉर क्लास टेंथ, चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड केमिकल इक्वेशंस एंड राइटिंग केमिकल इक्वेशंस and next topic balance chemical equations. Okay, so now in this class we are going to discussion about types of chemical reactions. Okay, so here we are going to types of chemical reactions. How many types of chemical reaction there are having? Only 5 types of chemical reactions. How many type? 5 types. One is combination reaction. Another one, decomposition reaction. And next one is displacement reaction. Displacement reaction, and another next one is double displacement reaction, and next one is oxidation and reduction reaction. This is our 5 types of chemical reaction. Okay, so in this class we are going to discuss on about only these 5 kind of chemical reactions. Okay, so let's start our first chemical reaction. First chemical reaction, that is combination reaction. So combination reaction, what is this combination reaction? The combination reaction is a combination of two different type of reactant that is form a new single product. It is called a combination reaction. Okay, तो यहाँ पर हम जो है देख रहे हैं क्या जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन हैं, जो हमारे 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, वो उनके बारे में हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये जो रिएक्शंस हैं वो होते हैं और इन रिएक्शन को हम जो है किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी रिएक्शन जो इक्वेशंस होते हैं उनके थ्रू. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स आर कम्बाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू सिंगल प्रोडक्ट. इट इज़ कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, तो यहाँ पर जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो क्विक लाइम एंड वाटर आर कम्बाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अ स्लैक लाइम. स्लैक लाइम मीन्स जो हमारा जो वाटर फॉर्म जो हमारा क्या है लाइम है उसे हम यहाँ पर कह रहे हैं स्लैक लाइम. एंड प्लस यहाँ पर हीट जनरेट होगा जिससे जो है क्या है यहाँ पर टू डिफरेंट रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. इट इज़ कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा जो क्या है जो हमारा चूना है, जब वो चूने को हम वाटर के साथ मिक्सअप करेंगे कंबाइन करेंगे तो हमें क्या है बुझा हुआ चूना कहते हैं, जिसे हम स्लैक लाइम कह रहे हैं. बुझा हुआ चूना हमें मिल रहा है और साथ में क्या है हीट जनरेट होता है ना. जैसे आप देखे होंगे चूने को जब हम पानी में डालते हैं तो पानी में डालने से क्या होगा, वो जो अपना चूना है वो वहाँ पर बॉयल होने लगेगा वाटर में, और बॉयल्ड होने के बाद क्या है देखेंगे थोड़ी देर बाद जैसे जो कंटेनर है उसको हम टच करके देखेंगे तो हमें कैसा फील होगा, वो थोड़ा सा वार्म फील होगा, है ना. मतलब वो क्या है वो हीट जनरेट कर रहा है. आपने अगर कभी ऐसा किया होगा तो वहाँ पर जो है वो हीट जनरेट होता है, जिससे हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कि जो चूना है वो और वाटर आपस में कंबाइन हो करके जो हमारा है ये स्लैक लाइम बनाते हैं, जिसे हम कह रहे हैं जो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसे ही हम कह रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा. इसके बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर दिए होंगे, जैसे कि यहाँ फर्स्ट वन इज बर्निंग ऑफ कोल. जो हमारा जो वुड होगा उसको जब हम बर्न करते हैं किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई चीज़ बर्न होती है, ये आप सभी जानते हैं, है ना. तो जो कोल है जैसे बर्न होगा तो वो कंबाइन होकर के क्या
एक सिंगल प्रोडक्ट जिसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो गैस वो रिलीज़ करती है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर जो है कोल का जो है ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये कैसा रिएक्शन शो कर रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या है, हमारा जो है वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है किसके थ्रू, टू डिफरेंट रिएक्टेंट जो है हमारे हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस के थ्रू, जिसे हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा क्या, नेचुरल गैस, जो हमारा नेचुरल गैस जैसे हम देखते हैं एलपीजी जो है, उस एलपीजी गैस को जैसे ही हम बर्न कराते हैं, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे नेचुरल गैसेस होते हैं, है ना, तो उनके बर्न होने से क्या है, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करती हैं, प्लस जो है वाटर यहाँ पर फॉर्म होता है ना। तो ये क्या है, ये एक सिंगल सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, टू डिफरेंट रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होकर के कंबाइन करके टू सिंगल जो प्रोडक्ट है वो बना रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, किसमें, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक जो वर्ड है हमारा उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो दो वर्ड हैं, ये सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि दो डिफरेंट वर्ड होते हैं, एक तो होता है एक्सोथर्मिक एंड अनदर वन इज एंडोथर्मिक, ओके। तो एक्सोथर्मिक मीन्स होता है जब कोई भी रिएक्शन होगा तो वो जो है रिएक्शन है वो एटमॉस्फेयर, मतलब अपने सराउंडिंग्स में क्या है, वो हीट एनर्जी रिलीज़ करेगी, तो उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक, मतलब वो आउटसाइड एनर्जी रिलीज़ करेगा, तो उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। एंड एंडोथर्मिक हम तब कहेंगे जब रिएक्शन होगा तो उस सिस्टम में जो है सराउंडिंग से वो क्या करेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, है ना, तो एब्सॉर्ब करेगा, तो उसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज के कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी रिलीज़ करते हैं, है ना, एनर्जी रिलीज़ करते हैं, जिससे हम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करते हैं, हमारे बॉडी के थ्रू वर्क होते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और ये जो प्रोसेस है वो किस में आ रहा है, ये जो है हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप इनको समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन वर्ड से ही आप समझ रहे हैं, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन इट मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ एनी हैवियर प्रोडक्ट इनटू सिंपलर फॉर्म, मतलब यहाँ पर ये कहेंगे कि क्या है हमारा, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि डिकम्पोजिशन ब्रेक डाउन होना किसी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट का किसमें, सिंपल प्रोडक्ट में, या फिर हम कहें कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं कंपाउंड्स के उनका जो है सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होना डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है, है ना। तो यहाँ पर जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है आप समझ सकते हैं, इसके जो है कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे हमारा है फेरस सल्फेट, है ना, फेरस सल्फेट जो है किसमें, जब हम फेरस सल्फेट को हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फेट जो है हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, जो फेरस सल्फेट है वो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, है ना, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल जो हमारे कंपाउंड्स हैं जैसे कि फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फेट, ये इनमें जो है ये क्या है, ब्रेक डाउन हो रहा है, जिसे हम कह रहे हैं इन जो है अलग अलग टाइप्स के जो कंपाउंड्स हैं उनमें वो ब्रेक डाउन हो रहा है, जिसे हम कह रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, है ना, जिसकी हम यहाँ पर बात करें, जैसे हम देखते हैं लाइमस्टोन, जो हमारा चूना है, खड़िया चूना जो होता है, उसे हम जैसे ही वाटर में हम डालते हैं, है ना, वाटर में डालेंगे या फिर जैसे हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे, तो हीट देने से क्या होगा, ये क्विक लाइम, जो क्विक लाइम है उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होने के बाद क्या है, वहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, है ना। तो जो हमारा लाइमस्टोन है वो टू डिफरेंट कंपाउंड्स में जो है वो ब्रेक डाउन हो गया, क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसे हम यहाँ कह रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, जो है हमारा
यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं जिनके थ्रू आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझ सकते हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा कि किसी कंपाउंड के थ्रू जो है किसी दूसरे कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देना या फिर उसकी जगह से रिमूव कर देना, और रिमूव करने के बाद उस कंपाउंड्स की जगह पर खुद चले जाना, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसे हम एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए। जैसे देखिए हमारा जो है क्या, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये जो दोनों क्या हैं, हमारे रिएक्टेंट हैं। ओके, ये हमारा है आयरन, हमारे देख सकते हैं आयरन, और ये है क्या, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो आयरन है ये कॉपर को रिमूव कर देता है, मतलब उसे क्या है वो हटा देगा उसकी जगह से, और कॉपर की जगह पर खुद चला जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या है, आयरन डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट एंड गेट एंड फॉर्म अ आयरन सल्फेट, इट इज़ कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये जो हमारा ये बन गया, फॉर्म हुआ आयरन सल्फेट, और यहाँ पर कॉपर जो है वो रिमूव हो गया कॉपर सल्फेट से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, जिंक जो है, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर अलग रिलीज हो गया, है ना। वैसे ही हमारा जो ये क्या है, इस तरह से आप देख सकते हैं, जो लेड है वो भी क्या है, कॉपर को रिप्लेस करके उसने लेड क्लोराइड बना लिया, है ना, कॉपर क्लोराइड से लेड क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन है, उसकी हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट इट मीन्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स होंगे जिनके आयन्स आपस में जो है क्या करेंगे, एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे थे, जो लेड है उसने कॉपर को डिस्प्लेस किया और कॉपर की जगह में खुद यहाँ पर क्या है, लेड क्लोराइड बना लिया, है ना, और जो हमारा कॉपर है वो सिंगल रह गया। लेकिन अब यहाँ पर जो है क्या होगा कि सिंगल लेड नहीं रहेगा, लेड बल्कि किसी दूसरे कंपाउंड के साथ कंबाइंड होकर के यहाँ पर रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, हमारा सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सल्फेट है, सोडियम का जो सल्फेट है, वो सल्फेट का जो आयन है वो बेरियम के आयन के साथ आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे आयन। तो एक्सचेंज करने के बाद यहाँ क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड होंगे। ठीक है, जैसे हमारा है सोडियम सल्फेट से क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा, एंड नेक्स्ट जो है बेरियम क्लोराइड क्या फॉर्म करेगा, सोडियम क्लोराइड, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है आयन्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं टू डिफरेंट कंपाउंड्स में, जिसे हम कह रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होना एंड ऑक्सीजन का रिमूवल जो होगा जिस रिएक्शन में, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो है ऐड होना किसी कंपाउंड में, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड रिडक्शन रिएक्शन हमारा क्या होगा, जब ऑक्सीजन जो है किसी कंपाउंड के साथ जो है क्या होगा, किसी कंपाउंड से ऐड ना होकर के उससे वो क्या होगा, रिलीज होगा, उससे रिमूव हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के बेस्ड पर ही हम इन दोनों रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कॉपर है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये बर्न करेगा, तो हीट करने से यहाँ पर क्या हो गया, ये कॉपर ऑक्साइड ये हमारा बनेगा, है ना, ये बन गया। तो इसे हम कहेंगे यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो एडिशन हुआ मतलब ये क्या है, ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन में आप देख सकते हैं जो कॉपर ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में जब हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे, तो ये क्या करेगा, कॉपर क्या है ऑक्सीजन से डिस्प्लेस हो जाएगा, और उसके बाद क्या है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वाटर H2O, है ना, ये फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि जो सिंगल कॉपर ऑक्साइड जो हमारा है उसका यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन गैस का जो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा हाइड्रोजन गैस है उसका जो है यहाँ पर क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना,
ये बन रहा है और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा हो रहा है रिडक्शन, ठीक है, और ये जो हमारा बन रहा है वो है ऑक्सीडेशन, ठीक, क्योंकि यहाँ जो है ऑक्सीजन एक तरफ क्या है रिमूव हो रहा है और दूसरी तरफ ऐड हो रहा है ना, तो इस तरह जहाँ पर ऐड होगा उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन और जहाँ पर रिमूव होगा उसे हम कहेंगे रिडक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं, ये एक और एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर इसको जो है एक्सप्लेन किया गया है ना, इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो है रिएक्शन कंप्लीट हो गए, 5 टाइप ऑफ रिएक्शन। पहला हमारा क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड जो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन था वो था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दे आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर ब्रेक डाउन इंटू सिंपलर कंपाउंड, इट इज़ कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ पर जो है कोई जो हमारा जो क्या है कंपाउंड है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर किसी दूसरे के कंपाउंड की जगह पर चला जाएगा, तो उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देयर आर आयंस आर एक्सचेंज इनटू देम एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, है ना, एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फाइनल रिएक्शन इज अ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन का एडिशन होगा उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड जहाँ पर ऑक्सीडेशन का क्या है रिमूवल होगा उसे हम ऑक्सीजन का रिमूवल होगा उसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे, ये पाँचों हमने रिएक्शंस हमने कम्प्लीट कर दिए, इसके आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।